नमस्कार, कुक्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मसाला लेके आया हूँ। मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको शो करता हूँ। पहले उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस मसाले को आप गरम मसाला कह सकते हैं और मुगलई क्यूजिन में इसको बहुत यूज किया जाता है। इसकी कोई एक्यूरेट फॉर्म नहीं है, एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। द वे आई मेक मैं अभी आपको शो करूँगा। लेकिन इसको लज्जत ताम भी कह सकते हैं, लज्जत ताउस भी कह सकते हैं, गरम मसाला भी कह सकते हैं एंड पोटली मसाला भी कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे ही बनना चाहिए, मैं वो नहीं कहूँगा कि ऐसे ही बनना चाहिए। आपकी नोज, आपका टेस्ट, आप जिस तरह का फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहरहाल मैं इसके लिए 17-18 चीज़ें यूज करूँगा और मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। आपको ये है पीपली, इंग्लिश में इसको लॉन्ग पेपर कहते हैं, जायफल, नटमेग, केसर, सैफ्रन, तेजपत्ता, बेलीफ, दालचीनी, ब्लैक पेपर कॉर्न। अब आप देखेंगे कि ये भी ब्लैक पेपर कॉर्न की तरह दिख रहा है, ये भी ब्लैक पेपर है। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है और इनमें डिफरेंस मैं आपको बताऊँगा अभी। और ये आपका दालचीनी, ये जंगली बेर है, वाइल्ड बेरीज। ये हम नेचुरल सारनेस के लिए यूज करते हैं। ये है सी फॉर्म, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल स्पाइस, वेरी स्पेशल। मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि सी फॉर्म क्या होता है। ये है स्टार एनिस, एनिस स्टार, रोज पेटल, जावित्री, मैसलीप, ब्लैक कार्डिमम, ग्रीन कार्डिमम, क्यूमिन सीड, दगड़ फूल, पत्थर के फूल भी इनको कहते हैं, और क्लोव्स। यहाँ पे है, ये भी एक स्पेशल मसाला है, बहुत लोग नहीं यूज करते, बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये है खस की जड़, यानी कि पॉपी रूट्स, जो पॉपी सीड होता है उसकी जड़ें हैं ये, खस की जड़ इसको बोलते हैं। और इसमें दो मेरे स्पेशल मसाले जो आज मेरे पास नहीं हैं, मैं उसको बाद में मिक्स कर लूँगा, वो एक है पान की जड़ और एक है शाही जीरा जिसको हम बोलते हैं ब्लैक क्यूमिन सीड। तो वो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं आपको, अगर वो मार्केट में मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आज मेरे पास ख़त्म हो गया और मुझे मिक्सर बनाना, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। और इसके बाद जो इसमें कुछ खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे सी फॉर्म है और एक ये ऑल स्पाइस है। अब ऑल स्पाइस में लोग, कई लोग क्या समझते हैं, ऑल स्पाइस मीन्स दैट इज द मिक्सचर ऑफ सम स्पाइसेस। नो, आई विल जस्ट टेल यू। ओके, सो मेरे पास है ऑल स्पाइस, जो भी मैं बोला था कि ऑल स्पाइस, इट्स लुक्स लाइक अ ब्लैक पेपर कॉर्न, बट ये ब्लैक पेपर कॉर्न नहीं है। इन द अदर हैंड आई हैव ब्लैक पेपर, तो आप ये दे सकते हैं दोनों हाथ में मेरे, ऑल स्पाइस एंड ब्लैक पेपर है। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है कि ब्लैक पेपर तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लैक पेपर एक काली मिर्च जो हम जिसको बोलते हैं ब्लैक पेपर कॉर्न, और ये ऑल स्पाइस जो है जिसको हम हिंदी में कबाब चीनी भी बोलते हैं। अब लोगों का कन्फ्यूजन क्या है कि ये ऑल स्पाइस मीन्स मिक्सचर ऑफ, बिकॉज वो पैकेट देखते हैं या उसका जार देखते हैं पाउडर बना, तो उनको लगता है कि शायद ये मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस है, बट ऐसा नहीं है। ऑल स्पाइस ये जो है इसके, इसलिए इसको ऑल स्पाइस कहते हैं कि ऑल स्पाइस मीन्स इसमें तीन चीज़ों का फ्लेवर मिलके एक फ्लेवर बनता है। जैसे कि आप अगर सिनेमन स्टिक और जायफल और क्लोव, इन तीनों को अगर आप इक्वली मिक्सचर बनाते हैं तो उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो एक ऑल स्पाइस की तरह होता है, यानी कि कबाब चीनी की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया कबाब चीनी और ऑल स्पाइस, इसलिए उसको बोलते हैं ऑल स्पाइस। अच्छा, इसका एक दूसरा जो इसके जो रूट, इसके जो प्लांट है, प्लांट में भी डिफरेंस होता है। जो पेपर प्लांट होता है, जो ब्लैक पेपर का जो प्लांट होता है वो रूटेड होता है, बेल होती है, और पान के पत्ते के शेप का जैसा उसका पत्ता होता है। और जो ऑल स्पाइस है, दिस इज ए प्लांट लाइक ए ट्री, तो ये क्या होता है, इसके जो पत्ते होते हैं वो बेलीफ की तरह होते हैं। तो उस बेलीफ को, जैसे हम बेलीफ को यूज करते हैं यानी कि तेज पत्ता को यूज करते हैं, तो हम ऑल स्पाइस के पत्ते को भी
यूज कर सकते हैं एज ए बेलीव्स, जैसे हम वेलीव को यूज करते हैं। तो ये है इन दोनों का डिफरेंसेस। तीसरा जो मेरे पास जो एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास है, ये है सी फॉर्म, इसको सी फैन भी कहते हैं और समुद्री झाग भी कहते हैं। तो समुद्री झाग क्या है, बहुत सारे लोग नहीं जानते इसको, क्योंकि ये हर किचन में नहीं होता और हर शेफ को इसका पता नहीं होता। तो ये एक नॉलेजेबल चीज है, ये एक तरह का जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको आयुर्वेदा में बहुत यूज किया जाता है और लखनऊ में स्पेशली बहुत यूज किया जाता है। ये है क्या, बेसिकली दिस इज द फॉसिलाइज्ड रिमेन ऑफ फिश ऑन रॉक। जब समुद्र की लहरें बार बार पत्थर से आके टकराती और फिर वापस चली जाती, तो उसका जो फॉर्म होता है, जो पानी के साथ एक फॉर्म आता है, वो धीरे धीरे करके पत्थरों के ऊपर रुकता है और कुछ इस तरह का जो परत उसके ऊपर जम जाती है, जो कि मैंने आपको समझाया, द फॉसिलाइजर रिमेन्स ऑफ फिश ऑन रॉक। जब समुद्र का पानी लहरें जो है उसकी पत्थरों पे टकराती हैं, तो जो झाग बन के आता है पानी के साथ में, उसके साथ वो उस पत्थर पे धीरे धीरे जम जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ऐसी एक फॉर्म बन जाती है। और ये बहुत ही एरोमेटिक है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी मसाले में। ये आपकी बॉडी को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काम आता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आपकी बोन्स को भी डेफिनेटली हेल्प करेगा और इसलिए इसको यूज किया जाता है स्पाइस में। तो ये है हमारे आज के स्पाइस। अब स्पाइसेस का गरम मसाला बहुत तरीके लोग बनाए, कोई इसको गरम मसाला कह सकता है, कोई इसको लज्जते ताम कहता है, कोई लज्जते ताउस कहता है, कोई पोटली मसाला कहता है। द वे यू वॉन्ट, यू कैन मेक एंड यू कैन गिव एनी नेम द वे यू लाइक। कुछ नहीं करना, ये सारे मिक्सचर को मैं इसको और थोड़ा सा और मुझे रोस्ट करना है इसको। मैं कल सनलाइट का वेट कर रहा हूँ, सनलाइट में एज इट इज जो मैंने रखा है, इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा और ड्राई करूँगा, सुखाऊंगा और उसके बाद इसको पीस के पाउडर बना लूँगा, अच्छे से स्टेन करके फिर मैं इसको किसी भी नॉन वेज चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छे जो बेरीज है, जंगली बेर आपने देखे होंगे, सभी जगह मिलते हैं हिंदुस्तान में, तो कुछ नहीं, बेरी तोड़नी है पकी हुई या कच्ची जैसी भी, और उनको सुखा लेना है और इस मसाले के साथ पीस लेना। इसका जो फ्लेवर आता है, जो नेचुरल सारनेस आपके खाने में आएगी, जो कि टमाटो, टैमरिन, लेमन, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करके एक सारनेस लाते हैं, वो उससे भी बेस्ट सारनेस आपको ये मसाला देगा। तो होप यू लाइक माई रेसिपी, माई लज्जते ताम, माई लज्जते ताउस, माई पोटली मसाला, गरम मसाला, वट एवर यू कैन से, मोस्ट ऑफ द नॉन वेज डिशेज यू कैन प्रिपेयर विद दिस मसाला, विद द बिरयानी, विद द कबाब्स, विद द एनी अरोमेटिक नॉन वेज डिश, यू कैन यूज दैट। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स हमको और मोटिवेट करेंगे और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज और सुंदर रेसिपीज और आपके अकॉर्डिंग जो आप हमसे जानना चाहेंगे, जो आप हमसे पूछेंगे, वो रेसिपी हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।